हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। सपोज दैट अ फंक्शन फंक्शन दे रखा है आर टू आर सेटिस्फाइज एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ वन इक्वल टू थ्री इफ समीशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई इज इक्वल टू 363 देन एन इज इक्वल टू। तो हमें जो ऊपर एक फंक्शन दे रखा है वो ये है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, फिर से लिख देता हूं उसको, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई लिखा है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एफ वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक्स और वाई दोनों की जगह अगर मैं वन वन पुट कर दूं तो ये वन प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पर एफ वन और ये भी क्या हो जाएगा, एफ वन हो जाएगा। तो एफ वन प्लस वन कितना होता है आपके पास, ये होता है एफ टू। एफ टू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 3। तो इस प्लेस में 3 पुट कर लेता हूँ और इस प्लेस में भी 3 पुट कर लेता हूँ तो ये हो गया 3 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये जो हमें फंक्शन दे रखा था इसमें x की जगह 1 y की जगह 2 पुट कर देता हूं मैं, आप चाहे तो x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा f1 plus 2 is equal to f1 f2। अब f1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में जो कि है 3, f2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो इस तरीके से जब आप नेक्स्ट टाइम 1 और 3 पुट करोगे, जब आप 1 प्लस 3 पुट करोगे जो कि आपका क्या हो जाएगा F4 हो जाएगा, ये क्या हो चुका है आपका F3 हो चुका है। तो जब आप 1 प्लस 3 पुट करेंगे तो F4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 रेज टू द पावर 4। तो इस टाइप से आपके पास एक सीरीज बन के तैयार हो गई, वो सीरीज है 3 रेज टू द पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 अप टू, अगर लास्ट में n टर्म्स के लिए आपको करना है तो 3 रेज टू द पावर n। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस बना है ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब हमें ये चीज भी दे रखी है, समीशन i इक्वल टू 1 टू n एफ आई इक्वल टू 363। मैं लिख के दिखाता हूं, समीशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई इक्वल दे रखा है 363 के। अब इसमें मतलब ये है कि आप सबसे पहले i की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा f1, i की वैल्यू 1 रखनी है तो f1 हो जाएगा, समीशन का मतलब प्लस होता है। फिर i की वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा f2, i की वैल्यू 3 रखोगे तो हो जाएगा f3 और इस तरीके से i की वैल्यू n रखोगे तो ये हो जाएगा fn इक्वल है 363 के। f1 तो हमारे पास 3 की पावर 1 है, f2 हमारे पास है 3 की पावर 2, f3 है 3 की पावर 3 और इस तरीके से fn है आपके पास 3 की पावर n इक्वल टू 363। अब हमारे पास ये जो gp है इसमें n टर्म्स है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला होता है a आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो इस प्लेस पर अगर मैं ये अप्लाई करूं तो a की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 3, r होता है कॉमन रेशियो जो कि आपको मिलता है सेकेंड टर्म को अगर तुम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो, जो कि हमें मिल जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 363। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और ऊपर आपके पास है 3 n माइनस 1 इक्वल टू 363। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 121, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 242। शिफ्ट करते हैं तो 3n इक्वल हो जाएगा आपके पास 243 जो कि 3 की पावर 5 होता है।
तो दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को आपके पास एन किसके बराबर आ रहा है, 5। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।